अगर आप भी मनुष्य के इतिहास को जानना समझना चाहते हैं, इतिहास की रोचक महत्वपूर्ण जानकारी को अपनी सफलता में उपयोग करना चाहते हैं, ह्यूमन काइंड के विभिन्न कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो आपको यह बुक समरी जरूर पढ़नी चाहिए। सेपियंस, मानव जाति एक रोचक बुक है जो लेखक यूवल नो हरारी द्वारा लिखी गई है। लेखक जो एक प्रोफेसर इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी बुक में सेपियंस के इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, जो पुराने काल से आज तक के सफर की महत्वपूर्ण और रोचक बातों को दर्शाते हैं। लेखक ने ह्यूमन काइंड के अनेक कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग फैक्ट्स और मिथ्स के द्वारा बताया है। इस बुक समरी में बुक के महत्वपूर्ण संदर्भों को प्रॉपर रूप से समराइज करके बताया है, जो सेपियंस के विभिन्न रूपों को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग मानव जाति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आज की दुनिया में हम इंसान होमो सेपियंस ही हैं, जो होमोजीनियस के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। असल में धरती में जब से एवोल्यूशन होने लगे हैं, तभी सेपियंस मुख्य रूप से सामने आए। राइजिंग टाइमलाइन। काफी समय पहले लगभग अरबों वर्ष पूर्व इस धरती पर जीवन होने के संकेत मिले। एटम्स मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन ने धरती में जीवन होने की संभावना बताई और होमो सेपियंस काफी सालों बाद सामने आए, जो कई देशों में देखे गए, लेकिन मुख्य रूप से अफ्रीका में मिलियन ईयर्स के बाद इनका अस्तित्व सामने देखने को मिला। इनके अलावा भी दूसरे होमो स्पीशीज भी दिखे और यही से मनुष्य के इतिहास की शुरुआत हुई, जो तीन रेवोल्यूशन में बंट गई। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन 70,000 ईयर्स अगो। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन 12,000 ईयर्स अगो। साइंटिफिक रेवोल्यूशन 500 ईयर्स अगो। सेपियंस सेपियंस से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण क्रांति जो सेपियंस के इतिहास को बताती है, जो इस प्रकार है। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन सेपियंस की शुरुआत कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के समय एक हंटर के रूप में सामने आई, जहां मानव पशुओं का शिकार करते थे और अपने खाने की जरूरतों को पूरा करते थे। जैसे जैसे समय बीता, मनुष्य विकास की ओर बढ़ता गया। उन्होंने एक दूसरे से बात करने के लिए संकेतों इशारों का सहारा लिया गया। पशुओं में सोचने समझने की शक्ति मनुष्य के मुकाबले नहीं होती थी। उस दौरान शिकार के लिए औजार बनाए गए, जिससे पशुओं को आसानी से मारा जा सकता था। अगर दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो कॉल लाइक जरूर कर देना, नहीं तो आप बाद में भूल जाओगे। इस रेवोल्यूशन समय में सेपियंस शिकार के लिए इधर उधर जाते थे, एक जगह नहीं रुकते थे, माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ था और वे खानाबदोश का जीवन जीते थे। शुरुआती दौर में पशुओं की अनेक प्रजातियां थी। हर प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी में नजर आते थे, लेकिन मानवों द्वारा उनके शिकार ने उनकी संख्या धीरे धीरे कम कर दी, जबकि बाकी जीव प्राकृतिक आपदा मौसम परिवर्तन के कारण गायब होने लगे। शुरुआत में पृथ्वी पर जीव के संकेतों ने आदम हव्वा के रूप में नर नारी के अस्तित्व को धरती में पाया और जानवरों के शिकार के लिए समय के साथ साथ नए नए औजारों का आविष्कार किया। मुख्य रूप से पत्थर के बनाए जाने वाले ये औजार काफी भारी होते थे, लेकिन इनसे शिकार बड़ी तादाद में हो जाते थे। धीरे धीरे इनमें भी बदलाव आते गए। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन सेपियंस काफी सालों बाद, लगभग 10,000 साल बाद नए विकास की ओर बढ़े और वे कृषि आधारित जीवन बिताने लगे। अब सेपियंस एक जगह रहकर कृषि करते थे, जिसमें अधिक समय तक कार्य करना पड़ता था। लेखक लिखते हैं कि कृषि विकास एक तरह से सेपियंस की लाइफ में अधिक कठिनाइयां लाया, क्योंकि कृषि में मेहनत लगती थी, जानवरों को कृषि में प्रयोग किया जाता था, खेती के लिए मनुष्य को बारिश पर निर्भर रहना पड़ता था, जिस वजह से दो तरह की सोच ने जन्म लिया, इमेजिन रियलिटी और फिजिकल रियलिटी। कृषि क्रांति ने मनुष्यों को समूह में रहना सिखाया, अनाज उगाना, रोपना, कटाई, सिंचाई से कृषि विकास का क्षेत्र बड़ा होने लगा और कृषि के लिए जानवरों का उपयोग होने लगा। अब लोग उन्हें मारने की बजाय खेती में उपयोग किया करते थे और खुद भी अधिक घंटे काम करते थे, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर असर पड़ता था और खाने के लिए पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता था। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो उसके लिए धन्यवाद, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके ऐसी और भी इंटरेस्टिंग बुक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। खेती बारिश पर निर्भर होती थी, वर्षा के न आने पर सूखे की समस्या हो जाती थी, जिससे अनाज सभी को नहीं मिल पाता था। उस समय इमेजिन रियलिटी पर लोग विश्वास करने लगे थे, खेती अच्छी हो इसके लिए मानव भगवान पर विश्वास करने लगे। कृषि विकास से लगता था कि सेपियंस का जीवन आसान हो गया, लेकिन लेखक लिखते हैं
वास्तविक में सेपियंस का जीवन कठिन हो गया था, वह एक दूसरे पर निर्भर रहने लगे थे, उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे कृषकों को कृषि के लिए ऋण लेना पड़ता था, पैसे की जरूरत होती थी, अनाज के लेन देन में कानूनी नियम होते थे। मनुष्य कृषि अच्छी हो इसलिए धर्म पर विश्वास करने लगे, गॉड का स्वरूप सामने आया। एक तरफ वो प्रकृति, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के रूप में फिजिकल रियलिटी के संपर्क में आए, वहीं दूसरी ओर इमेजिन रियलिटी भगवान, धर्म, कानून, राष्ट्र में अधिक विश्वास करने लगे। कृषि रेवोल्यूशन में टैक्स, कानून, नियम आदि के रूप सामने आए। साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इस क्रांति में हर बात को फैक्ट्स और रिसर्च पर आधारित बताया गया। मनुष्य की सोच और स्वास्थ्य को भी साइंस के कॉन्सेप्ट से जोड़ा गया। कॉग्निटिव और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद इमेजिन बिलीव की जगह साइंस के फैक्ट्स को सॉल्यूशन के रूप में दर्शाया गया। कृषि, ईश्वर, हेल्थ, वेल्थ, रिलीजन आदि बातों में साइंटिफिक संदर्भ को माना गया और कहा गया कि हर बात के पीछे कारण होते हैं जो विज्ञान में प्रूव किए जा सकते हैं। विज्ञान के मॉडर्न तथ्यों को सहमति मिली, जिस वजह से प्रैक्टिकल रियलिटी के कॉन्सेप्ट को सही माना गया। साइंस वर्ल्ड के सोसाइटी में आने से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी डेवलप हुआ। पहले सेपियंस आग जलाते थे, उसके बाद कोयले जलाने लगे, फिर स्टीम इंजन का प्रयोग होने लगा। व्यापार, उद्योग के लिए गुड्स मैन्युफैक्चर किए गए, जिसके लिए मनुष्य की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ी और फैक्ट्रीज में बड़ी संख्या में लोग काम करने लगे। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना भी काफी होने लगा और जरूरत के हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निर्माण हुआ और लोगों के बीच बड़ी संख्या में उपयोग होने लगा। लोगों को अपने काम में मनी इन्वेस्ट करने के लिए क्रेडिट की आवश्यकता पड़ने लगी, जिसकी वजह से कई स्कीम सरकार ने लोगों के पक्ष में लागू की ताकि सभी उसका फायदा उठा सकें। सरकार ने लोगों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, स्कूल, ट्रांसपोर्ट, अस्पताल, पुलिस आदि सभी मुख्य जरूरी सुविधाओं को उपलब्ध कराया। लर्निंग हिस्ट्री, विभिन्न रेवोल्यूशन से पता चलता है कि सेपियंस कैसे विकास के अलग अलग रूप से गुजरे, सबकी सोच में डिफरेंसेस आए। एक हंटर लाइफ से साइंटिफिक लाइफ तक का सफर अनेक कॉन्सेप्ट्स से जुड़ा, जिनमें कई भिन्नताएं देखने को मिली। आदि मानव से मानव, मानव से एजुकेटेड मैनकाइंड की यात्रा पूरी की। सब रेवोल्यूशन के अलग अलग फैक्ट्स, थ्योरीज, पर्सपेक्टिव्स थे। मनुष्य में इमेजिन रियलिटी से सोशल स्ट्रक्चर का रूप देखने को मिला। इंटीग्रेशन ऑफ मैनकाइंड, आगे चलकर सेपियंस के जीवन में ह्यूमन एकजुटता का संदर्भ सामने आया, क्योंकि अब मनुष्य समूह में रहते थे, वे कृषि से जुड़े थे और साइंस वर्ल्ड में कदम रख चुके थे। सेपियंस मुख्यतया तीन रूप से जुड़े, जैसे मनी, एम्पायर्स, रिलीजन्स, जिससे सेपियंस के कार्यक्षेत्र, समाज, आपसी संदर्भ में विस्तार आया। इस दौर में एक डेमोक्रेटिक समाज का निर्माण हुआ, जहां एक दूसरे पर शासन किया जाता था, अपने रूल्स चलाए जाते थे। उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, जिसके कारण वस्तुओं को खरीदना और बेचना भी अधिक होने लगा। एक साथ अनेक वस्तुओं की मार्केटिंग की जाती थी। अलग अलग देशों में वस्तु उत्पादन से नई नई करेंसी का प्रयोग होने लगा। इससे साम्राज्य का विस्तार हुआ, जिसकी वजह से अलग अलग संस्कृतियों का जन्म हुआ। लोग विभिन्न संस्कृतियों को अपनाने लगे, जिससे एक दूसरे से उनकी पहचान अलग होने लगी। मानव के अधिकारों की चर्चा होने लगी, जिससे सबका अलग रूप सामने आया। मनुष्य एक दूसरे से जुड़ने लगे, धार्मिक संदर्भों में विश्वास करने लगे, भगवान पर आस्था रखने लगे। अलग अलग धर्म के अपने अपने बिलीफ होते थे, जिन्हें मानने वाले उसी राह में जाते थे और धार्मिक बातों को फॉलो करते थे। थ्री फैक्टर्स ऑफ यूनिफिकेशन मैनकाइंड, मनी, पैसा एक दूसरे की जरूरत बना। कुछ भी खरीदने के लिए एक दूसरे को पैसे की जरूरत होती थी। मनुष्य के अलग अलग जाति, धर्म के होते हुए, अलग अलग वैल्यूज, बिलीफ होते हुए भी पैसे की जरूरत होती थी, जिसके लिए एक दूसरे की जरूरत भी होती थी। पैसे से सेपियंस के जीवन में अनेक बदलाव आए, उनकी लाइफ, रिलेशनशिप, वैल्यूज में असर पड़ा। एम्पायर्स, समय के साथ सेपियंस अलग अलग संस्कृति को फॉलो करते थे, छोटे साम्राज्य पर बड़े साम्राज्य राज करते थे, अपनी बिलीव्स, वैल्यूज, रूल्स आदि मनवाते थे। राष्ट्र को चलाने के लिए राजा, शासक, प्रधान आदि हेड के रूप में राजकाज देखते थे, अपने हिसाब से रूल्स चलाते थे, जिससे राजनीति, धर्म में बदलाव आए। रिलीजन्स, सेपियंस अलग अलग धर्म में विश्वास करने लगे, कुछ धर्म एक ईश्वर में विश्वास करते थे, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जूडाइज्म, और कुछ अनेक ईश्वर में विश्वास करते थे। बुद्धिज्म प्रकृति में विश्वास करते थे। सबके आइडियाज,
बिलीफ अलग होते थे जिसके स्वरूप कुछ आइडियोलॉजीज बनी जिनमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जैसे कैपिटलिज्म, पूंजीवाद और लिबरलिज्म, उदारतावाद सामने आए। परमानेंट रेवोल्यूशन। सेपियंस जैसे जैसे विकास की ओर बढ़ते गए उनमें कई बदलाव आते गए। समाज मानव मॉडर्न वर्ल्ड से जुड़ता गया, लोगों की लाइफस्टाइल में बदलाव आया, उनकी एक्टिविटीज ट्रेडिशनल वैल्यूज के कॉन्सेप्ट्स परिवार और समाज से जुड़े, और मनुष्य राष्ट्र और मार्केट से जुड़कर प्रोग्रेस की ओर बढ़े। समाज का भविष्य विकास के विभिन्न रूपों से गुजरकर होमो सेपियंस को स्पीशीज में कन्वर्ट कर गया। सेपियंस वन लुकअप। अगर सेपियंस के विकास को देखें तो पता चलेगा सेपियंस समय के साथ साथ अधिक शक्तिशाली और प्रोडक्टिव होते चले गए। अलग अलग रूपों से पता चलता है कि प्रेजेंट फ्यूचर में सेपियंस बायोलॉजिकल और कल्चरल रूप से विकास के कितने करीब हुए, जो आज के युग में दिखाई देता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेपियंस तकनीकी, रिलीजियस वैल्यूज, इमेजिन बिलीफ, सोशल कंसेप्ट से उच्च शिखर तक पहुंच गए। सेपियंस के इतिहास से यह सीखने को मिलता है कि सेपियंस समय के साथ साथ विकास करते गए। एक आदिमानव के सफर से शुरू आज के वेल सिविलाइज्ड मानव का सफर आसान नहीं था। इसके लिए अनेक प्रयासों, मेहनत, कठिनाइयों का सामना कर पहुंचे और अपनी प्रतिभा के बलबूते पर विभिन्न रेवोल्यूशन को पार कर पाए। जब बात सेपियंस से जुड़ी खुशी की आती है तो सवाल उठता है कि क्या इतने प्रोग्रेस के बाद भी मनुष्य खुशी प्राप्त कर पाए, क्योंकि प्रगति के साथ साथ अनेक परेशानियां भी आईं। मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, उन्हें हमेशा अधिक की इच्छा होती है जिसके लिए वह आगे बढ़ते जाते हैं। इतिहास को पूरी तरह जानना समझना आसान नहीं होता, क्योंकि हम पूरी तरह इसके विभिन्न स्वरूपों को अज्यूम या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इनमें बदलाव आते रहते हैं जिनका क्षेत्र भी काफी बड़ा है, एक विस्तृत रूप देखने को मिलता है। इस विकास यात्रा से मानव जाति को कितने लाभ हुए, फिर भी विकास का मूल रूप रहस्य ही लगता है। इस बुक के द्वारा सेपियंस की हिस्ट्री को समझने में आसानी होती है और अनेक फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर तरीके से लिखने के कारण यह बुक पढ़ने में रोचक लगती है, जो नॉलेज ही बढ़ाती है। निष्कर्ष। इस बुक समरी में सेपियंस के इतिहास की रूपरेखा को प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, जो बुक की महत्वपूर्ण बातों और कॉन्सेप्ट्स को समझने में यूजफुल है। मानव इतिहास की प्रॉपर जानकारी और समय के साथ साथ विभिन्न बदलावों, विकास के रूपों की जानकारी मिलती है। बस आपको बुक समरी पढ़नी है और अपने ज्ञान को बढ़ाना है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की बुक समरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी बुक की समझ चाहिए तो आप उसे बुक का नाम कमेंट कर देना, नेक्स्ट बुक की समरी आपकी ही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड